सो गाइस, काफ़ी मशक्क़तों के बाद, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम के बाद हमारा चूल्हा जल चुका है और अभी हमारा जो मैगी था वो भी उबल गया। अभी मसाले डाले जा रहे हैं, तो अभी देखिए हम मसाले डाले जा रहे हैं। देखिए अभी तो ये रहा, अभी जितने भी मतलब 6 पैकेट मैगीज़ थे, तो 6 पैकेट मैगीज़ के मसाले सब डाल दिए जा रहे हैं ताकि वो काफ़ी टेस्टी बने मैगी। तो देखते हैं, अभी मैगी रेडी होता है उसके बाद देखते हैं मैगी का टेस्ट कैसा आता है। बाकी ये हमारा मैगी रेडी हो रहा है देसी चूल्हे पे। ना कोशिश करने के बाद जाके आग लगाए। जंगल में कैंपिंग, कैंपिंग प्लस मैगी बनाना और कैंपिंग करना। टॉप को थोड़ा सीधा कर दे, टेढ़ा हो गया आई थिंक। हाँ, पानी बॉइल होने लगा है, बस आग लग चुकी है। सब मसाला डाल के थोड़ा उसको घुमाना है। इसको लास्ट में हाथ आधा। अब ये देसी नमक, सो गाइस, ये वही नमक है जो यहाँ हम आ रहे थे तो हमें गांव वालों ने दिया था खड़ा नमक। तो अभी ये नमक जा रहा है गांवटी नमक, देखते हैं। देसी गांव का नमक है जो कि देखिए देखिए काफ़ी वो नमक है। और कोई बात मैगी, नहीं, अंदर जाके गल जाएगा पानी में तो टेस्टी हो ही जाएगा। मैगी हमारा देखिए कैसे उबल रहा है, दिखा। देखिए हमारे मैगी उबलना शुरू हो चुकी है। पानी एकदम गर्म हो चुका है। वाह, व्हाट अ स्वैग। कांदा नमक तो लाया ही नहीं, कांदा नमक और मिर्ची का प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो थोड़ा और टेस्टी होता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट कैंपिंग था तो हम बस आ गए। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फुल प्लान के साथ आएंगे, तब और मस्त मज़ा आएगा। बाकी यहाँ का व्यूज़ कितना खूबसूरत लग रहा है यार, इधर सनसेट हो रहा है और नज़ारा खतरनाक लग रहा है। अरे भाई अंधेरा हो गया रे। यहाँ का सन का व्यूज़ देख कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी यहाँ का देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है, एकदम धीरे धीरे सनसेट होने वाला है। देखिए फ्रेंड, बाकी हमारा देखिए हमारा मैगी रेडी हो रहा है आग, और ये हमारा टेंट। बाकी ये देखिए पूरा मैगी मैंने टकमक बना पॉट दिया है, ऐसा उबल रहा है देखिए कितना उसके खूबसूरत देखिए। नज़ारा है।